एक ठेकेदार ने एसडीएम की मनमानी की शिकायत कलेक्टर से की है। ठेकेदार ने बताया कि एसडीएम उसे 6 महीने से परेशान कर रही है, उस पर अवैध उत्खनन का आरोप लगा रही है, जबकि अभी तक उसने कोई काम शुरू ही नहीं किया। डिंडोरी के शाहपुरा में कुंडम से शाहपुरा 4 लाइन सड़क बनाने का काम एस्कॉन कंपनी कर रही है। इस कंपनी का क्रेशर एसडीएम ने सील कर दिया और बिजली कनेक्शन भी कटवा दिया। एसडीएम ने कार्रवाई अवैध उत्खनन के चलते की। एसडीएम की इस कार्रवाई को कंपनी के ठेकेदार ने गलत बताते हुए इसकी शिकायत कलेक्टर और उच्च अधिकारियों से की है। ठेकेदार ने कहा कि हमने अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया है, तो अवैध उत्खनन कैसे हो गया? हमने खनिज विभाग से परमिशन ली है, जिसके तहत हम काम के लिए मशीनें फिट करेंगे। हमें 6 महीने से एसडीएम की तरफ से परेशान किया जा रहा है। इस मामले को लेकर एसडीएम ने कहा कि ठेकेदार ने कोई अनुमति नहीं ली है, पहले भी उसने ऐसी हरकत की थी। ठेकेदार ने आसपास के एरिया में सेटिंग कर ली है और अवैध उत्खनन कर रहा है। वहीं इस मामले को लेकर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। सर, आप लोग यहाँ पे आए जो देख सकते हैं कि मेरे क्रेशर कोई भी मशीनें ऑपरेशनल ही नहीं है, ना ही फिटिंग हुई है, पूरी अंडर इंस्टॉलेशन है। तो मेरा कोई अवैध उत्खनन किस तरह से हुआ? टोटल कोई काम ही मेरे द्वारा शुरू नहीं किया गया है, जबकि मेरे पास इन प्रिंसिपल मेरे पास परमिशन है। तो जिस परमिशन के तहत मैं अपनी मशीनें इक्विपमेंट फिट कर सकता हूँ, उसमें फाउंडेशन डालना, ये सारे काम कर सकता हूँ, ये टोटली गलत है। मेरा कोई एक्सकवेशन नहीं हुआ, कोई मेरे प्लांट मशीनरी कोई भी एक्टिव नहीं है। मतलब जो आरोप लग रहे हैं वो निराधार हैं क्या? बिल्कुल निराधार है सर, इंटेंशन कुछ और है मैडम की। हमें 6 महीने से परेशान किया जा रहा है, केवल डिंडोरी में मैडम के पास ही माइनिंग के अलग अलग नियम है। मेरे अधिकारी, मेरे जो प्रोजेक्ट मैनेजर, डेली वहाँ जाकर सुबह शाम उनके चक्कर लगा रहे हैं। हमें पानी की बोर तक की परमिशन तक नहीं दी गई उनके द्वारा। कलेक्टर साहब से जब गुहार लगाई गई तब उन्होंने परमिशन दी, वो अब तक बोर कराए जिससे हमारे आदमी पानी पी रहे थे। सर, बिजली काट दी गई है, पानी काट दिया गया है, खाने पीने की रसद खत्म कर दी गई है, गेट लॉक कर दिया गया है। अब बताइए आप, इस तरह से कौन सा हमने जुर्म कर दिया यहाँ पे? क्या हमको, हम यहाँ के ठेकेदार बन गए, हमारा जुर्म है? नेशनल हाईवे का जो 4 लेन हो रहा है उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर जिसके पास ये कॉन्ट्रैक्ट गया है, उसके द्वारा एक क्रेशर चलाया जा रहा है। पूर्व में भी उसके द्वारा बिना अनुमति, कलेक्टर महोदय से कोई अनुमति नहीं ली गई और 10-12 पेड़ काट दिए गए थे, जिसकी वजह से जिला स्तर पर उनके ऊपर 54,000 की पेनल्टी निर्धारित की गई थी। इसके उपरांत अभी भी उनके द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है, उनके पास वैध अनुज्ञा नहीं है। जब स्थल पर जाकर जाँच की गई तो पाया गया कि उनके पास अभी पट्टा है ही नहीं। इसी के साथ उन्होंने मुरम उत्खनन के लिए भी वैध अनुज्ञा नहीं ली है। अपने वर्क ऑर्डर के आधार पर ऑनलाइन अप्लाई करने के बजाय उन्होंने वहीं आसपास के कृषकों के कृषि योग्य भूमि में मुरम उत्खनन के लिए एक अनुमति के प्रकार से कृषकों के साथ सहमति कर ली है, जो बिल्कुल भी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। इसी कारण उनके मौके पर जाकर जांच की गई थी, जिसमें उनके सभी कर्मचारियों के द्वारा राजस्व अमले के साथ अभद्रता की गई। साथ ही उनके द्वारा पंचनामा में, सुपुर्दगी नामा में दस्तखत करने से साफ मना कर दिया गया। पूरे अमले ने वहाँ पर लगभग 1 घंटा वेट किया, उनको समझाइश दी कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए और इसमें पंचनामा में हस्ताक्षर कर दें। जब उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना किया तो हमको वहां पर साइट को बंद कर उसकी चाबी थाना को सुपुर्द करनी पड़ी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।